हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। आपको बता दूं, धौर से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया कि चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दी जाती है। और मौके पर देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहां पे, पूरा परिजन यहां पे आए हुए। और जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। धौर से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है जी। क्या बेटा, मैं तो शाहिद नाम फतेहपुर तगा से रहने वाला हूँ। मैं तो क्या हुआ था बेटा, मैं कुछ पता ना, मैं दूसरे गांव का हूँ। आपको बता भैया क्या हुआ था। देखो जी, हमको तो पता 11:30 बजे पता चला था जी, कैब की हत्या कर दी गई चाकू मार के जी। और वारदात को आरोपी वारदात बैठा के भाग गए जी। जी कैब को जानते थे? हाँ जी, वो हम अभी 6 महीना पहले शिफ्ट हुए थे उनके पड़ोस में ही जी। क्या हुआ था पूरा थोड़ा विस्तार से? उसकी हमने तो आज तक कोई बात, उसकी बेकरी की दुकान थी, सप्लाई काम करता था जी। हमसे तो खूब प्यार मोहब्बत ना, हमने आज तक सुनी गांव बस्ती में भाई उसकी भाई ऐसा ऐसा, हमने तो आज तक सुनी नहीं जी। कोई रंजिश? कोई रंजिश थी नहीं थी नहीं जी। तो ऐसा कुछ नहीं। आप भाई? मैं मामा हूँ जी उनका। क्या हुआ? कैफ को जी धोखे से बुलाया और उसका मर्डर कर दिया जी। कौन थे? रंजिश नहीं थी। कौन थे वो? कुरेशीपुर के ही रहने वाले हैं जी। तो आप कहाँ जा रहे थे कैफ जो उन्हें धोखे से बुलाया? कैफ नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था तो उसको धोखे से बुलाया। मस्जिद के बाहर ही उसकी दुकान है साकिब की, जिसने मर्डर किया है। उसने धोखे से बुलाया कि यहाँ और अकेला आइयो, वो चला गया। और साकिब ने और उसके तीन, उसके पापा ने और उसके दो चाचा हैं, उन्होंने मिल के उसका मर्डर किया है जी। क्या नाम है उनके? किनके? जो चाचा और उसके क्या कहते हैं मैन, उसके पापा का नाम है साकिब और एक का नाम है साजिद और एक उसके चाचा का नाम है नजमू और एक उसके पापा का नाम है जाबिर जी। क्या उम्र थी कैफ की? 21 साल उम्र थी जी। 21 साल उम्र जी। अभी 2 दिन पहले ही उनकी शादी भी हुई। हाँ, 2 दिन पहले ही शादी हुई है जी। ऐसी रंजिश कुछ ऐसा हो कि अचानक से बुलवाएगा? वो तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, फिर ऐसे अचानक से क्या हो कि बुला के उनकी हत्या कर दी गई? कोई ऐसी कोई रंजिश नहीं थी जी, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, छोटी मोटी बात थी कोई बस। हाँ, ये सारे आपके साथ ही? किसी ने मौके पर किसी ने मौके पे जब वो भाग गए थे, जब उसको उठा के लेके जाने लगे, प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा जी कोई कार्रवाई नहीं है। गांव वालों ने एक बंदा पकड़ा है, वो ही पुलिस को हैंड ओवर किया है गांव वालों ने। बाकी पुलिस ने रात को आश्वासन दिया था कि रात तक इन सबको पकड़ के हम दे देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब तक जी कोई पकड़ा नहीं गया है। जो पकड़ा गया है वो भी गाँव वालों ने पकड़ा? हाँ, गाँव वालों ने पकड़ के दिया है। क्या नाम है जो पकड़ा गया है? उसका नाम नजमू है जी। उसने ट्रैक्टर, वो भी ऐसे पकड़ा गया है जब वो मार के भाग रहा था, ट्रैक्टर से भाग रहा था और 4-5 बंदे ट्रैक्टर में लेटे हुए थे, उसमें लेट के चोरी छुपे भाग रहे थे। तो उसके बाद गांव के 2-4 लड़कों ने भाग के उसको पकड़ा है। उसने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी, पैर पे भी ट्रैक्टर चढ़ाया है तो हाँ, मारने की कोशिश करी ट्रैक्टर से भी हाँ, लेकिन गाँव वालों ने भाई हिम्मत जुटा के उसको पकड़ लिया। हाँ, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगी कि पूरी तादाद में जो लोग खड़े हैं पूरा गोल एक बार पूरा दिखाएं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कैफ की जो हत्या की गई है चाकू से गोद कर हत्या की गई है और यहाँ पे पूरा पूरे परिजन यहाँ पे मौजूद है। उसके धोखे से बुलाया गया, नमाज पढ़ने जा रहे थे वो, धोखे से बुलाया गया फिर उनपे चाकू से वार कर दिया। कितने लोग थे? वो 7 लोग थे जी। हाँ, 5ों के नाम पता है, 2-3ों के नाम नहीं पता है। हाँ, 4ों के नाम मैंने आपको बताया और उसकी मम्मी भी थी। मम्मी भी थी जी। तो पूरी प्लानिंग से करा गया? पूरी प्लानिंग से मारा गया है जी, सोची समझी साजिश है। और भी साथी गांव के उसके साथ मिले हुए हैं और भी। हाँ, तो गांव में ही हुआ? गांव में ही हुआ है जी। तो आप भी सारे गांव आप में से किसी ने और कुछ देखा हो गांव के? आप लोग नहीं? मैं गांव का नहीं। वारदात पे कोई नहीं था तो उस समय कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसा कुछ वहाँ पे? सीसीटीवी फुटेज वहाँ से उसकी दुकान से कम 50 मीटर पे सीसीटीवी लगा हुआ है। अभी उसकी जांच पुलिस करेगी तब पता चलेगा जी क्या है क्या नहीं है उसमें। अभी जांच चालू? जांच चालू है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं है अभी। अभी कोई कार्रवाई? मैं कहूंगी दिखा देगा, पूरा घुमा के दिखाएं जरा। देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं इस वक्त। आपको बता दूं कुरेशीपुर का ये मामला है जहाँ पे कैफ नाम के युवक को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती। करीबन 7 लोग थे जिन्होंने मारा और पूरी आपको बता दें कि धोखे से बुलाया गया था उन्हें और फिर चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दिया। रंजिश का कुछ ऐसा सामने नहीं आया? नहीं जी, कोई ऐसा नहीं है।
कभी कुछ कैफ ने बताया किसी से लड़ाई झगड़ा है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जी, नहीं जी। कैसा व्यक्तित्व था? बहुत अच्छा जी, कोई बिल्कुल गांव में सब में अभी 3 साल ही हुए आने, गांव में आए हुए 3 साल। हाँ जी, तो देख सकता है अभी उन्हें गांव में आए हुए भी 3 साल के समय सैकड़ों की तादाद में यहां पे लोग आए हुए चाकू से गोद कर युवक की हत्या की जाती है। पुलिस प्रशासन द्वारा अभी इस पे सख्ताई बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो परिवार कह रहे हैं कि अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, वो भी गाँव वालों के द्वारा पकड़ा गया। इस समय देख सकते हैं कि पूरे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे गांव के लोग आए हैं। अगर अभी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, सख्ताई नहीं बढ़ती है, तो क्या अगला कदम रहेगा? तो जी हम धरना धरेंगे, रोड जाम करेंगे जी, हम जी, और उसकी मिट्टी नहीं लगेगी जब तक वो पकड़े नहीं जाते, मिट्टी नहीं लगने देंगे, उसको दफन होने नहीं देंगे जी। जी देखिए, घर वाले कह रहे हैं कि जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे उनका मिट्टी नहीं लगाई जाएगी, और चाहते हैं प्रशासन द्वारा इस पे सख्ताई बरती जाए। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100 रेड में। पूजा भारद्वाज, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।